दवाई की शुरुआत की गई थी उस केस में, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग से दवाई का डोज शुरू किया गया था। आज वो एक साल में आदमी ठीक है, डॉक्टर ने कहा था पैर जाएगा, चांसेस नहीं है, लेकिन वो आदमी चल रहा है। लकड़ी छोड़ के चला जा सकता है, लेकिन अभी भी लकड़ी रखी है पर्पस की थोड़े से सपोर्ट के लिए, ताकि लोग दोबारा ना उसके घर को टूटे, कहीं चोट लग जाए इसलिए, बाकी वो घर में लकड़ी छोड़ के चल रहा है। हमने कहा अभी लकड़ी मत छोड़ो, लकड़ी रखो साथ में, क्योंकि इतना डैमेज है कि अभी भी वो पक्का बनने के लिए अभी और 6 महीना लगेगा। मेरा कल एग्जाम्पल है, सेकेंड डे से दवाई की शुरुआत की गई थी, मजेदार बात की। तो पैरोलाइज ग्रोथ पैटर्न, अब के जो मरीज केमोथेरापी नाम की दवाई लेते हैं कैंसर में, केमोथेरापी, ये केमोथेरापी कैंसर से उसको कम मारता है, नॉर्मल से उसको ज्यादा मारता है। तो उस नॉर्मल से ज्यादा मारते उसको फास्ट वापिस बनना चाहिए तो आपका शरीर ठीक रहेगा, उसको वापिस बनाने में हेल्प करता है एपिडर्मल एंड पैरोलाइज ग्रोथ पैटर्न, फटाफट नॉर्मल से बनाएगा, केमोथेरापी की साइड इफेक्ट से आप बचोगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस मरीज के लिए जो केमोथेरापी लेते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि केमोथेरापी असली इलाज है, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए केमोथेरापी लेने वाले ज्यादातर पेशेंट 1 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं। मैं उस मरीज की बात कर रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर छोड़ के, यूट्रस कैंसर छोड़ के और प्रोस्टेट कैंसर छोड़ के, क्योंकि ये 3 केस में तो पुर्जा पूरा निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो पेशेंट का तो ऑलरेडी कैंसर निकल ही चुका है, फिर केमो लेकर बल्कि ऐसे किसे बहुत मिलेंगे आपको, वो किससे मुश्किल से मिलेंगे जिसको लीवर में कैंसर है, केमो से अच्छा हुआ, बोन में कैंसर है, केमो से अच्छा हुआ, ब्रेन में कैंसर है या कहीं अच्छा हुआ लंग्स में, ऐसा मरीज हार्डली कोई मरीज बच पाता है। इसलिए कैंसर को कैंसर नाम का टाइटल दिया गया है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल आगे बात करेंगे जो कैंसर प्रोवोक करता है। इसमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी खोज वो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, शॉर्ट फॉर्म में इसको IGF-1 कहते हैं, सबसे बड़ी खोज है। इसलिए खोज है सबसे बड़ी कि ये मॉलिक्यूल हमारे बॉडी का गॉड है, डायरेक्टर है, डिजाइनर है, बॉस है, करता आता है, यही हमारे बॉडी का सुपर पावर है। क्योंकि ये बॉडी में कोई भी चीज को रीडिजाइनिंग कर सकता है, क्रिएशन करने का काम इसका है, ये क्रिएटर है। जैसे कि लीवर पूरा खराब हो गया, क्रिएटर है, फिर से नया बना देगा, ये कलाकार है। हार्ट डैमेज है, रीडिजाइनिंग कर देगा, किडनी डैमेज है, रीडिजाइनिंग कर देगा। चलिए रीडिजाइनिंग के कुछ एग्जांपल, एक इंसान का मसल्स डैमेज होता है, मसल्स डैमेज होते का IGF-1 मसल्स बनाता है, मसल्स सेल्स बनाता है IGF-1। जैसे एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स सेल्स मरते ज्यादा है, पैदा होते कम, ये रेशियो जब आ जाता है तो होता है क्या, धीरे धीरे मसल्स खत्म होने लगते हैं, ऐसा मरीज का आगे चलते चलना बंद हो जाता है। वो मरीज जो अभी भी चल रहा है लड़खड़ा के, उसके केस में तुरंत रिजल्ट आता है। कई मरीज उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां सारे मसल सीख गए बिस्तर पे, अगर पहलवान को भी हो गया तो उस पोजीशन में पहुंचेगा, मक्खी तक नहीं उड़ा पाएगा। IGF-1 मसल सेल्स बनाता है, बाकी कोई मॉलिक्यूल मसल सेल्स नहीं बना सकता। IGF-1 कार्टिलेज को रीजनरेट करता है, रीजनरेट यानी फिर से बनाना। कार्टिलेज क्या है, हमारे शरीर में 206 हड्डी है, 206 हड्डी है, हर हड्डी के बीच जो गादी होती है उसको कार्टिलेज कहते हैं। कोई भी दो हड्डी आपस में टच नहीं होती है, बीच में जो सपोर्टिंग टिश्यू है उसको गादी कहते हैं। जैसे घुटने के बीच गादी होती है, दो मनकी के बीच गादी होती है, जैसे बहुत मरीज का ना घुटने की गादी घिस जाती है उसको आर्थराइटिस कहते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं हाड़कू घसाइके, वो हड्डी की बीमारी नहीं है, वो गादी की बीमारी है, गादी कैसे रही है ऐसा बोलना चाहिए। तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं हाड़कू घसाइके कैल्शियम खाओ, अरे हड्डी की बीमारी नहीं है कैल्शियम क्यों खा रहे भाई, गादी की बीमारी है, गादी को कैल्शियम से कोई लेना देना ही नहीं है, गादी को कैल्शियम से कोई मतलब ही नहीं है, है क्या मतलब, बिल्कुल नहीं है। ये
ये गाड़ी दो मनके के बीच में भी होती है, ज्यादा तो उम्र वाले मरीज आते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब मन का घिस गया है, डॉक्टर साहब मन का घिस गया है, ठीक है यही होता है, मन का भी घिस जाएगा और मन का भी घिस जाएगा, यानी गाड़ी मन का भी घिसता है, वो गाड़ी नहीं जानते कोई, लेकिन मन का भी घिसता है तो भी होता है, लेकिन ज्यादातर किस्से में गाड़ी का मामला होता है, बाकी वर्टेब्रे भी साइज छोटी हो जाती है, होता है नहीं। तो IGF-1 कार्टिलेज को रीजनरेट करता है, दुनिया का ये पहला मॉलिक्यूल है जो कार्टिलेज को रीजनरेट करता है, फिर से बनाता है, आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कार्टिलेज रीजनरेट करता है। ग्लूकोसामाइन जो है, ग्लूकोसामाइन अगर आपके कार्टिलेज अच्छे हैं तब खाओगे तो वो अच्छे रहेंगे, ये मॉलिक्यूल कार्टिलेज अच्छे हैं तो खाओगे तो अच्छे रहेंगे, और कार्टिलेज डैमेज है तो उसको रिपेयर करेगा, रीजनरेट हुए तो रीजनरेट करेगा, लेकिन रीजनरेट का वक्त जो है 6 months to 3 years, पेशेंट को पेशेंस चाहिए। साईं बाबा कहते हैं सरका सबोरी, और गुजराती में कहा जाते हैं धीरज ना पर मीठा, मेरे फ्रूट वाले का नाम है धीरज, बहुत मीठा फ्रूट बेचता है, ऐसा है। तो 6 months to 3 years, अभी मुझे एक सवाल का जवाब आपसे है, अगर मैं कहता हूं घुटने के मरीज को आपको ये दवाई 6 महीने से 3 साल तक खानी होगी, एक्सप्रेशन चेंज 3 साल तक, अरे ये सोचो पिछले 6 साल से आप परेशान हो, वो नहीं सोचा, आप पिछले 6 साल से परेशान हो, अच्छे हुए नहीं तो क्या 6 साल दवाई नहीं खाया है ना, नहीं ठीक हुए तो अभी ये कहो, सोच अलग है। तो सोच किस तरह सोचना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गठिया का मरीज की बात करें, गठिया संधिवात, संधिवात ऐसा है कि उम्र बढ़ने के साथ बढ़ेगा, एक मरीज ने बहुत डिफिकल्टी है, बहुत प्रॉब्लम है, उम्र है समझो 40 साल, कुदरत ने लिखा है 70 साल जिएगा, यानी कितना लाइफ बाकी है 30 साल, अब उसको मैं कहूं 3 साल दवाई खानी है, 3 साल दवाई खा के 27 साल मजे से जियो, या ये दवाई नहीं खा के 30 साल जैसा जीना वैसे जियो, कौन सा सोल्यूशन अच्छा है? ये 3 साल खाना अच्छा है, क्योंकि जीना 70 निश्चित है, डे बाई डे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो उसको ये वैल्यू कैलकुलेशन बनाने पड़ेंगे कि हम लॉन्ग रन नहीं शॉर्ट रन के काम में जा रहे हो, शॉर्ट टाइम के इसमें जा रहे हो, जल्दी ठीक होने के प्रोसेस में जा रहे हो, वो रीजन बताओगे कब वो दवाई खाएगा। आप एक अच्छी चीज दे रहे हो वो सामने अच्छी लगनी चाहिए, लोग हमेशा शंका की नजर से देखते हैं, क्योंकि लोगों ने चश्मे पहन के रखे हुए हैं और उस चश्मे का नाम है पूर्वग्रह, ये बहुत बड़ा ग्रह है, जीवन में किसी को कोई ग्रह लगा है तो वो ग्रह पूर्वग्रह, राहु केतु शनि बाद में नटते हैं, पूर्वग्रह पहले नटता है, कुंडली में पूर्वग्रह कहां पर है वो देख लो, तो इसलिए उसका माइंड क्लियर करना है। तो ये कार्टिलेज बनाता है, साइंस का रिकॉर्ड है, कार्टिलेज वापिस नहीं बनता है, वो रिकॉर्ड IGF-1 ने ब्रेक कर दिया है। दूसरा मॉलिक, दूसरा जो है कार्टिलेज के बाद, साइंस का रिकॉर्ड यह है कि लंग सेल्स वापिस नहीं बनते हैं, IGF-1 वापिस बनाता है। आज तक साइंस का रिकॉर्ड है पैंक्रियास के सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं, IGF-1 रीजनरेट करता है। नाउ सेल्स न्यूरॉन, आज तक साइंस का रिकॉर्ड है रीजनरेट नहीं होता है, IGF-1 रीजनरेट करता है। आज तक साइंस का रिकॉर्ड है किडनी सेल्स रीजनरेट नहीं होता है, IGF-1 रीजनरेट करता है। ये 5 प्रकार के सेल्स कौन से, कार्टिलेज, लंग, पैंक्रियास, नर्व और किडनी, ये रिकॉर्ड साइंस का था, कार्टिलेज ये 5 सेल वापिस नहीं बनते, ये रिकॉर्ड था वो टूट चुका है, IGF-1 इसको फिर से बनाता है, यानी कि IGF-1 बहुत इंपॉर्टेंट है। IGF-1 लीवर को स्टिमुलेट करने से लीवर के जरिए केमिकल प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है हेपेरिन। जब किसी मरीज को हेडेक आता है तो डॉक्टर हेपेरिन के इंजेक्शन देते हैं, यूरोकाइनेसिस देते हैं, यूरोकाइनेसिस जापानीज के यूरिन से बनता है, अब शायद उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए, सुनामी आया होता है, जापानीज के यूरिन से बनता है यूरोकाइनेसिस और हेपेरिन के आर्टिफिशियल इंजेक्शन, आर्टिफिशियल हेपेरिन इंजेक्शन फर्दर क्लॉट होने से इंसान को बचाता है,
लेकिन IGF-1 के थ्रू लिवर स्टिमुलेट होने से बॉडी में जो बनेगा वो नेचुरल है, वो एग्जिस्टिंग क्लॉट को डिसॉल्व कर सकता है और इंजेक्शन नए क्लॉट बनने से होता है। तो ये रूट कॉज में ट्रीट करता है, इसीलिए 39 के रहते हैं जिसके ब्लॉकेज निकल चुके हैं, लेकिन ये वो मरीज है जिन्होंने बताया गया ढंग से दवाई खाई है। खाना तो पड़ेगा ना, 3 महीने के बाद देखो नहीं खाना, जो डोज हम बताते हैं वो डोज ईमानदारी से कहो 3 महीने बाद रिपोर्ट दो। ये IGF-1 इतना इंपॉर्टेंट है कि एक इसका सेंटेंस है कि ये क्रिएटर है, बस इतना याद रखने का, IGF-1 इज क्रिएटर, बॉडी में कुछ भी रीडिजाइनिंग ये कर सकता है। ये IGF-1 बच्चों में कम बनेगा तो हाइट शॉर्ट रहती है, बहुत ज्यादा कम बनेगा तो ड्रॉप, जिसको हम बोना या किंगूजी या जोकर कहते हैं, और ये IGF-1 एक्सिस बनेगा तो 7.5-8 फुट का आदमी बन जाएगा जैसे खली। ये IGF-1 DNA सिंथेसाइज करता है, फादर और मदर को अगर कोई बीमारी है तो बच्चे को वो बीमारी होने का चांस 99% है, उसको वो बीमारी होने के पहले ये इम्यूनिटी का एक माइनर डोज दिया जाए तो आने वाले वक्त में उसको बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाएगी। अब हम बात करेंगे IGF-2 यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 जो इस इम्यूनिटी में है। जितने मॉलिक्यूल की हम बात करें इम्यूनिटी में है, ये सारे मॉलिक्यूल इम्यूनिटी के अलावा कोई दवा में नहीं है, नो सेकेंड ऑप्शन। IGF-2 का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिकल है, एक जैसा है, सेम है, इसीलिए IGF-2 बॉडी के अंदर इंसुलिन जैसा बिहेव करता है। IGF-2 इंसुलिन जैसा बिहेव करता है, IGF-1 पैनक्रियास के सेल को रीजनरेट करता है, इस तरह डायबिटीज काबू में आता है। हमारे पास एक मरीज है नीलेश शाह करके, शेयर बाजार के बड़े व्यापारी है बोरीवली में, इन्होंने जीवन में बहुत पैसा कमाया, शेयर बाजार के किंग थे, वो कहते मैं जैसा बोलूं वैसे शेयर चलता है। मैंने कहा हमारे बोलने में तो बिल्ली भी नहीं चलती, आपके बोलने में शेयर चलते, बहुत अच्छी बात है। तो शेयर बाजार में बहुत पैसे कमाए, लेकिन उनको 13 साल से इंसुलिन लेना पड़ता था, माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ था लेफ्ट आंख में, यानी पलके गिर जाते ऐसे खोले लेना 10 सेकंड में शटर डाउन, एक आंख बंद हो जाती है, एक खोल देते। इस इम्यूनिटी की वजह से 3.5 महीने में माइस्थेनिया ग्रेविस ठीक हुआ है, इंसुलिन छुट गया है, डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं और इम्यूनिटी ले रहे हैं, इंसुलिन छूट चुका है। लास्ट ईयर उन्होंने 13 साल के बाद पहली बार मैंगो खाइए, इस साल वो दूसरी बार मैंगो खाएंगे। ये एग्जांपल है, ऐसे कई एग्जांपल है। देखिए यहां बैठे हुए हर आदमी इतने इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए कि अगर आप सिंसियरली इस काम को करते हैं तो आगे चल के आप उस मुकाम पे पहुंचोगे, आपका जो भी काम होगा उस काम से इस काम में आपकी इनकम डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 20 गुना हो जाएगी। पक्की बात है, जो आज सीखने वाले हैं उसको जीवन में उतारना है और जो तरीका आपको बताया जाएगा उस तरीके से आपको काम करना है। काम करने वाले को कामयाबी मिलती है, नहीं काम करने वाले को नाकामयाबी मिलती है, स्लोगन कभी भूलने का नहीं। तो इस तरह IGF-2 इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है NGF, इसका फुल फॉर्म है नर्व ग्रोथ फैक्टर। हमारी नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स नाम के सेल से बनी है, न्यूरॉन्स। साइंस का रिसर्च ये है कि नर्व ग्रोथ फैक्टर न्यूरॉन्स को हेल्दी रखता है, रिपेयर करता है और रीजनरेट करता है। नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजी, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। नर्वस सिस्टम की बहुत कम बीमारी के लिए दुनिया में दवा मौजूद है। अगर किसी को मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी है जिसको कहते हैं फिट्स आना, लोग 10-10 साल से दवाई खा रहे अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। न्यूरालजिया नहीं ठीक होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। सूरत में मंसूर भाई के पास केस है,
न्यूरोजन का मरीज 7 साल पुराना 1.5 महीने में ठीक हुआ है, एग्जाम्पल नंबर दे। पार्किंसन का हुआ कांपता है, कांपता है तो उसकी बीवी बहुत कड़क रही है इसलिए वो कांप रहा है, ऐसा नहीं, वो ब्रेन की बीमारी है भाई, वो ब्रेन की एक बीमारी है। ब्रेन के अंदर डोपामाइन नाम का जो केमिकल है वो जब कम बनेगा तो बॉडी शेकिंग होती है। ये न्यूरोनल फैक्टर ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन से उसको हेल्दी बनाता है, उसका फंक्शन इंप्रूव करता है, उसको रिपेयर करता है। ब्रेन से जब डोपामाइन बनेगा तो ऑटोमेटिक उसका इंप्रूवमेंट शुरू होगा। पार्किंसन के पेशेंट को इंप्रूवमेंट पता कैसे चलेगा, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। समझो एक मरीज दिन में 3 बार दवाई खा रहा है, उसकी 2-3 दिन दवाई है, सेंडोपास, साइनेपिन, ट्यूमेक्स, ऐसी दवा है जो हिलने को रोकती है कुछ घंटे के लिए। तो समझो उसने एक सुबह डोज खाया, वो कहता है कि ये डोज मुझे 6 घंटे तक चलता है, 6 घंटे बाद वापिस हिलने लगता है। इसका मतलब दिन में वो 3 डोज खा रहा है। जब ये इम्यूनिटी शुरू की जाएगी ऐसे केस में इम्यूनिटी कम से कम 3-3 गोली 3 बार खानी होगी, 3-3 गोली कम से कम 3 बार खानी होगी। अगर पेशेंट 4-4 गोली 3 बार खाए तो अति उत्तम, 12 गोली का डोज चाहिए, 4-4 गोली 3 बार। अगर 4-4 गोली 3 बार खाए खाते रहो, फिर उसको धीरे धीरे महीने भर में ये नोट करना है, टाइम नोट करिएगा बिफोर स्टार्ट मेडिसिन स्टार्ट करने के पहले कि कितने बजे वो एलोपैथी गोली खाए, कितने बजे हिलना शुरू हुआ। नंबर ऑफ आवर्स महीने भर बाद देखोगे तो पता चलेगा शायद आधा या 1 घंटा उसका बढ़ चुका होगा टाइम, यानी कि अब उसकी एलोपैथी दवा उसको 6 घंटे की बजाय 7 घंटे तक हेल्प कर रही है, 7 घंटे बाद हिल रहा उसका। आगे चल के होगा ये कि उसको 3 डोज में से 2 डोज पे आ जाएगा, अगर 2 पे आ गया तो इंप्रूवमेंट कितना, 33% प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिर वो क्या कहेगा, मैं दवाई नहीं खाता तो फिर इनका वो नहीं देखने का, पहले 3 डोज खाते थे ना, अब 2 खा रहे हो तो इंप्रूवमेंट। आगे चल के 1 डोज पे आएगा, माइंड डोज पे आएगा और बंद होगा, 3 साल तक खाना है ना, रीजनरेशन का वक्त 6 मंथ टू 3 ईयर। कोई भी बड़ी बीमारी, और देख लीजिए जो भी बड़ी बीमारी है वो ठीक होती नहीं है, जैसे कार्टिलेज गया, स्किन डिजीज है कई प्रकार की, जैसे सोरियासिस है, मंजीत जी का गया, कब से था सोरियासिस के, ऐसे मरीज 20-20 साल से लेके घूम रहे सोरियासिस नहीं ठीक होता है। तो ऐसे बीमारी जो भी है उसका वक्त है 6 मंथ टू 3 ईयर, और उसको डोज मेंटेन करना रहेगा। कोई कहेगा नहीं परवड़ता है, क्यों नहीं परवड़ता है, ये दवा तो फ्री में मिलती है, पैसा थोड़ी लेते हैं। आप 4 आदमी को बोलो, 8 आदमी को बोलो, 10 आदमी को बोलो, पैसा आएगा, उस पैसे से दवाई खाओ, कभी ने तो फैसिलिटी दी है, मुंह खोलो दवा खाओ, मुंह खोलो दवा बेचो, एक बार मुंह खोलो खाने के लिए, दूसरी बार मुंह खोलो बेचने के लिए, सिंपल काम, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने कहा था जो जितना ही बड़ा मरीज होगा उतना ही वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। जब वो पार्किंसन के पेशेंट को इंप्रूवमेंट आ गया तो उसका डॉक्टर खुद ही सोचेगा अच्छा है चलो डॉक्टर को भी दे दो एक कागज, लो भाई आप भी पढ़ो, और रेडी एमडी डॉक्टर की दवा है, देने में कोई एतराज नहीं, आप दे सकते हैं उसको। आपको एक जानकारी दे दूं, डॉक्टरों के लिए एक रिसर्च पेपर है, 19 पेज का एक रिसर्च पेपर है, वो आप लीजिए उसकी कॉपी, आप डॉक्टर को दीजिए उसकी कॉपी, है किसी के पास? अच्छा ठीक है, अभी 5 और 6 तारीख को वहां कंपनी के प्रोग्राम में सब मिलने वाले हैं, मैं 2-5 सेट सब मेंटेन किसको दे दूंगा, उसकी कॉपियां बना के आप डॉक्टर को दे सकते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट ने क्या रिसर्च किया उसमें मेंशन है, 19 पेज का एक लिटरेचर है, मैं आपको भिजवाता हूँ अभी 5 और 6 तारीख को, उसमें सारी जानकारी है, कौन सा इंस्टीट्यूट ने कब और क्या रिसर्च किया है। कोई कहता मैं आयुर्वेदिक दवाई खा रहा हूँ पार्किंसन के लिए, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो जो दवाई खा रहा है उसका नाम क्या है और उसका रिसर्च क्या हुआ है, कोई डेटा है क्या आपके पास? वो बंद हो जाता है, बोल नहीं पाता है। यहाँ नोट फैक्टर है, साइट पे जाइए, कौन से इंस्टीट्यूट ने, कौन से साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया है लिखा हुआ है, देख लो। जब कोई कहेगा तो आप बताइए कि आप लोग खा रहे हो, उनका रिसर्च है कि आपको पता है क्या, हमको पता है इसका रिसर्च है। तो इस तरह नर्व ग्रोथ फैक्टर नर्वस सिस्टम की अलग अलग बीमारी पे काम करता है, नर्वस सिस्टम की बहुत कम बीमारियां अच्छी होती है।
अभी एग्जांपल है हमारे पास कि एक इंसान ने अभी अभी काम शुरू किया है इसका, बोरीवली में एक आदमी है और उन्होंने एक पैरालिसिस के मरीज को दिया। उस मरीज को जाके आप इंटरव्यू ले सकते हैं, आजू वाले को मिल के आजू बाजू में चल रहा है पैरालिसिस का मरीज और उसके आजू बाजू शुरू हो गए लोग दवा खाने के लिए। एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, पड़ोसी ने देखा कैसे ठीक हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है नॉन ग्रोथ फैक्टर। इसके अंदर है प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर। डेंगू में या दूसरे फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से दर्द होती है। प्लेटलेट काउंट होने के लिए 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होने के लिए, जब प्लेटलेट काउंट 1 लाख के नीचे जाता है तो तकलीफ होती है, 50,000 के नीचे जाता है बहुत तकलीफ होती है, 30,000 के करीब आया तो जिंदगी के लिए खतरा पैदा होता है। ऑप्शन क्या है? प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं, ओनली ऑप्शन। कभी कभी क्या देखा गया है, प्लेटलेट चढ़ाए फिर खत्म हो गए, फिर चढ़ाए फिर खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी रहती है, इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाती है, उसको ऑटो इम्यून कहते हैं। खुद के उसकी पहचान जो है वो ये नहीं पहचान पाता है कि ये हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट सेल्स है, वो बाय मिस्टेक उसको मारते जाता है, इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। क्या मीनिंग है ऑटो इम्यूनिटी का? कि बॉडी की सिस्टम बाय मिस्टेक बॉडी के यूजफुल सेल्स को जो डीजनरेट करने लगती है, मारने लगती है, और उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो सारी बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। कार्टिलेज का डीजनरेट होना ऑटो इम्यून डिजीज है, पैनक्रियास का डीजनरेट होना ऑटो इम्यून डिजीज है, नर्व सेल डीजनरेट होना ऑटो इम्यून डिजीज है। ये सारी ऑटो इम्यूनिटी में ही आती है। तो इस तरह ये प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर होने के कारण मरीज को चार चार गोली चार बार देते हैं तो पांचवे छठे दिन उसका प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस कर जाता है। बेस्ट ऑप्शन ये है, बाकी अवेलेबल है डायरेक्ट प्लेटलेट चढ़ाओ। तो इतना प्रूवन प्रोडक्ट है, रिजल्ट आता ही है 5 दिन में। इसके अंदर है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, जिसका काम है लिप्स से लेकर एनस तक की हमारी जीआई ट्रैक पे ये काम करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसी बीमारियां काबू में आती है। तो ये हमने कुछ ग्रोथ फैक्टर इसके इंपॉर्टेंट देखे हमने, ये पहला हिस्सा। अब हम बात करेंगे इस दवाई के दूसरे हिस्से के बारे में, वो है दूसरा हिस्सा जिसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहते हैं। ईश्वर ने हमारे शरीर में एक सिस्टम रखी है, जैसे हड्डी की सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, वैसे एक सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम का काम क्या है? इम्यून सिस्टम का काम है कि वायरस बैक्टीरिया को मारना। बॉडी में जो काम करके थक के जो डेथ है उसको बाहर निकालना, और इसके अलावा बॉडी में कोई टॉक्सिन है तो उसको बाहर फेंकना। ये नगर पालिका जैसा काम करता है, कचरा भी निकालना इसी का काम। इम्यून सिस्टम ठीक रहेगी तो बॉडी के कचरे भी निकलते रहेंगे, टॉक्सिन निकलता रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, सब होता रहेगा, ये इम्यून सिस्टम। तो वायरस के सामने लड़ने के लिए ईश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, हमारे बॉडी में कुछ हथियार है, उस हथियार का नाम है लिंफोकाइट्स, टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स और किलर सेल्स। ये हथियार ये क्या करते हैं? वायरस और बैक्टीरिया को मारते हैं। लेकिन ये कब मार पाते हैं? कब मार पाते हैं? एक मॉलिक्यूल है बॉडी में, वो मॉलिक्यूल की वजह से ये मैकेनिज्म चलती है। क्या है वो मॉलिक्यूल? उस मॉलिक्यूल का नाम है प्रोलाइन बिट पॉलीपेप्टाइड। प्रोलाइन बिट पॉलीपेप्टाइड यानी कि PRP। ये क्या करता है? वायरस को पहचानता है, स्टॉक में से हथियार निकालता है, उसको किल करता है, याददाश्त में रखता है और दोबारा आया तो फिर से मार देता है। अगर PRP वीक हो जाएगा प्रोलाइन बिट पॉलीपेप्टाइड तो क्या होगा? ये मैकेनिज्म चलेगी नहीं, कभी खानी पड़ती है एंटीबायोटिक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसके अंदर इंटरफेरॉन है जो एंटीवायरल होता है। जब फीवर एक लिमिट क्रॉस करता है तो इंटरफेरॉन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, 80,000 से 1,10,000 का आता है। अगर बॉडी में PRP मौजूद नहीं होगा तो वो भी फैल जाएगा।
इसके अंदर है इम्यूनोग्लोबिन। तो पीआरपी, एंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। इसी वजह से महाराष्ट्र में पुणे में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, इस दवाई ने 17,000 मरीज की जान बचाई है। 12 मीडिया चैनल ने बताया था, एक नहीं 12 मीडिया चैनल ने बताया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस वक्त टैमीफ्लू की खोज नहीं हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टैमीफ्लू की खोज नहीं हुई थी। ये 17,000 मरीज की जान बचने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि इस दवाई ने स्वाइन फ्लू को फैलने से बचाया है। ये फैल जाता तो क्या होता, आपने देखा कि सुनामी आया जापान में, सुना होगा, देखा होगा कुछ लोग न्यूज में, लेकिन सुना होगा, देखने वाले तो वही है जो उसमें से बच गए। तो ये सुनामी में क्या है, प्रलय का स्वरूप, प्रलय की झलक दिखती है। एक पिक्चर आया है 2012, दिसंबर 2012 में क्या होने वाला है मालूम है आपको, जमीन जमीन नहीं रहेगी, पानी हो जाएगी, आसमान आसमान नहीं रहेगा, जमीन बन जाएगा, मैंने सब उलट पलट हो जाएगा। नहीं किया दिसंबर में, जितना जीना आया जी लो। लेकिन टेंशन मत लो, मजे से जो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कि प्रलय आएगा, लेकिन प्रलय का स्वरूप क्या है, इस प्रलय की शुरुआत 16 साल पहले गुजरात की एक जगह है सूरत, वहां से हुई है। 16 साल पहले सूरत में प्लेग हुआ, लाखों लोग मर गए, बाद में दवाई ढूंढी गई। डेंगू आया, लाखों लोग मरे, बाद में दवाई ढूंढी गई। आने वाले वक्त में ऐसा वायरस आएगा जिसकी दवाई ढूंढी जाएगी, तब तक इस पृथ्वी पे से 50% लोग जा चुके होंगे। इसलिए हमें डरना किससे चाहिए, वायरस से। यस और नो, यस, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हमें वायरस से नहीं डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक है तो कोई भी वायरस को हमारी सिस्टम किल कर सकती है। तो हमें डरना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी डे बाय डे वीक हो रही है, उससे डरना चाहिए, नहीं कि वायरस से। बचेगा वो इंसान उस प्रलय में कि ईश्वर जिसकी इम्यूनिटी नेचुरली अच्छी रखे वो, और जो अपनी इम्यूनिटी की कैंप इम्यूनिटी के द्वारा करता है वो। क्योंकि इम्यूनिटी के अंदर तीन मॉलिक्यूल है, प्रोलाइनिन पॉलीपेप्टाइड, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन, ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, इसका काम है कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना, इम्यून सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करना, इसीलिए इसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर कहते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका नाम है लैक्टोफेरिन। ये लैक्टोफेरिन मॉलिक्यूल पे बहुत रिसर्च हुई है, जितने मॉलिक्यूल की अभी तक हम बात कर चुके हैं वो सब सिर्फ इम्यूनिटी में अवेलेबल है, लैक्टोफेरिन। अगर कोई एड्स का मरीज है और एचआईवी पॉजिटिव, दो में अंतर होता है। एड्स का मरीज उसे कहते हैं जिसका वजन कम होते जाता है, जिसको लूज मोशन कंटिन्यू होते हैं, धीरे धीरे स्केलेटन लग जाता है, और जिसकी 2-2.5 साल में डेथ निश्चित है। ऐसे मरीज को इम्यूनिटी की 4-4 गोली 4 बार दी जाए तो उसका एक रिपोर्ट होता है CD4 काउंट। ये रिपोर्ट 5वें 6वें दिन बदल जाएगा, अच्छा आएगा, काउंट बढ़ जाएंगे। एक महीने में उसका वेट गेन होगा, उसका डायरिया रुकेगा, पूरे चांसेस है कि उसकी डेथ एड्स से नहीं होगी। इतना इंपॉर्टेंट है लैक्टोफेरिन। ये लैक्टोफेरिन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। अगर किसी लेडीज को ब्रेस्ट में गांठ है, 1 से 1.5 महीने में डिजोल्व होती है, ऐसे किससे है, यूट्रस फाइब्रोसिस 6 मंथ में, लैक्टोफेरिन कैंसर सेल्स के ग्रोथ को रोक देता है, एक बाउंड्री बना के उसको फैलने से रोकता है, और कैंसर सेल्स की भी अपनी लाइफ है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगेगी और नए करेंगे नहीं, नए करने को रोकता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब केमोथेरेपी आदमी लेना शुरू करेगा तो बॉडी में बहुत डैमेज क्रिएट होती है। इसलिए इंसान ने ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि केमोथेरेपी भी अप टू सर्टेन लिमिट के बाद रोकना जरूरी है। 6 से ज्यादा केमोथेरेपी लिया तो उसके बचने के चांस खत्म हो जाते हैं।
तो उसने अगर पहले केमोथेरेपी शुरू हुई है वो लेना भी चाहे तो भले ले, लेकिन इसका हैवी डोज शुरू करें, ताकि उसकी दो तीन केमो के बाद डॉक्टर खुद ही कहेगा आप केमो नहीं करना है, लेकिन ये दवाई चालू करके हैवी डोज तो पूरे चांसेस है वो क्योर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मरता क्या नहीं करता, वो सब कुछ करता है, बोलता मैं एडवेट भी ले रहा हूँ, इम्यूरिन भी ले रहा हूँ, केमोथेरेपी भी ले रहा हूँ, होम्योपैथी भी ले रहा हूँ, लेजर केयर में भी जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, उसको भरोसा ही नहीं है कौन उसको ठीक करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका है आदमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका है वो आदमी जो सब जगह दौड़ता है, और उस कंडीशन में जाए लेकिन कोई भी सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देगा, क्योंकि जिस पे व्यक्ति उसको पता है, आप यहाँ टीवी देखते देखते बोलोगे कि सचिन ने ऐसा बॉल मारा होता तो 6 रन होता था, मैदान में कौन है, मैं नहीं, आप नहीं, सचिन, उसको मालूम है वहां क्या परिस्थिति है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जिस पे व्यक्ति है उसको पता है, यहाँ खड़े रहकर बोलना तो बहुत इजी काम है, लेकिन फिर भी एक आरएनडी के बाद एक लॉजिकल डिसीजन इंसान ने लेना चाहिए ताकि उसको नुकसान ना हो और राइट ट्रैक पे चले। अब बात करेंगे इसमें कई प्रकार के, तीसरा हिस्सा एंटीऑक्सीडेंट, इसमें कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स है जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। फ्री रेडिकल क्या है, हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा तो वह है फ्री रेडिकल, हमारे बॉडी में उत्पन्न होने वाला एक केमिकल जो कई कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे कि हवा पानी पूरा पोल्यूटेड होने की वजह से उत्पन्न होता है, स्ट्रेस से उत्पन्न होता है, कई तरीके से उत्पन्न होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। तो फ्री रेडिकल को अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, सर्ज करता है। अगर उसने आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स पे अटैक कर दिया और वहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, खुद स्टेबल हो गया, आर्टरी के सेल अनस्टेबल हो गए, ऐसे सेल्स कभी भी ऑक्सीडाइज हो गए, जैसे ऑक्सीडेशन मतलब यंग लगना, फिर वो डिजनरेट होते हैं। ये क्रिया 30 साल के बाद भी चलती रही तो ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब एक डॉक्टर को लीजिए हार्ट में, वो एक पेशेंट पे कैंप लगाइए, खास करके सीटी में जहां तनाव ज्यादा है, और लोगों का बीपी चेक करिए। किसका बीपी चेक करना है, जिसकी उम्र 30 और 35 के बीच है, और जिसने कभी जिंदगी में बीपी चेक नहीं किया, बीपी चेक करिए। 100 में से 50 आदमी हाई बीपी के मरीज मिलेंगे आपको, 100 में से 50 आदमी हाई बीपी के मरीज मिलेंगे, क्योंकि ड्यू टू फ्री रेडिकल आर्टरी पे असर होने से ये क्रिया घटित होती है। यही फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करता है तो उसमें कन्वर्ट करता है, वो आर्टरी में चिपकता है, ब्लॉकेज होती है। ये फ्री रेडिकल सेल के डीएनए पे अटैक करेगा तो वैसी बीमारी होती है जहां साइंस के बाद ना है कारण और ना इलाज, जैसे कि कैंसर है, सोरायसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मोटर न्यूरॉन है, ऐसी बीमारियां पैदा होती है जिसको इनक्यूरेबल डिजीज कहते हैं। ये फ्री रेडिकल स्टाल पे अटैक करेगा तो बच जाते हैं, यानी जॉइंट पे अटैक करेगा, जॉइंट डैमेज करता है, यानी कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है हमारे बॉडी में उत्पन्न होने वाला केमिकल जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये दवाई के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। किस तरह, जैसे कि विटामिन ए अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देता है, फ्री रेडिकल स्टेबल हो जाता है, विटामिन ए फ्री रेडिकल बन जाता है। उसके बाद विटामिन ई अपना इलेक्ट्रॉन ए को देता है, ए स्टेबल हो जाता है, ई फ्री रेडिकल बन जाता है। विटामिन सी अपना इलेक्ट्रॉन ई को दे देता है, ई स्टेबल हो जाता है, सी फ्री रेडिकल बन जाता है, लेकिन सी वाटर सोल्युबल होने के कारण यूरिन और स्वेटिंग से निकल जाता है। इसीलिए जो लोग इम्यूनिट खाना शुरू करेंगे तो शुरू शुरू में उसके यूरिन से बहुत स्मेल आएगी, यूरिन के जरिए, या किसी को कफ निकलता है जिसमें फ्री रेडिकल होगा, तो ऐसे मरीज के लिए यहाँ धनवंतरि में और एक सॉल्यूशन है, आगे बताऊंगा। तो इस तरह इसमें कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हमने ये तीन हिस्से की बात की। अब बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये इम्यूनिक दवा किसने खानी चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ बैठे हुए सभी ने खानी चाहिए सबसे पहले, उसके क्योंकि आपको सबसे पहले ज्ञान मिला,
122 करोड़ के पॉपुलेशन में हर इंसान ने ये खाना चाहिए, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब माँ के दूसरे 90 तत्व मिले थे, रोज मिलते रहे, एक माइनर डोज मिलता रहे तो जिंदगी कैसी होगी, जीने जैसी होगी, क्योंकि उस जीवन में धीरू भाई जैसा पैरालाइज नहीं है, उस जीवन में वाजपेयी जैसी घुटने की प्रॉब्लम नहीं है, उस जीवन में स्पाइनल कॉर्ड सलामत है, सब कुछ ठीक है, तो जीवन का मजा है, नहीं तो जीवन में सजा है, तो मजे में जीना है कि सजा में जीना है, ये नक्की तो करना पड़ेगा। अब ये दवाइयां सबको खानी है, तो यहां बैठे हुए सभी ने ये दवाई खानी है। दवाई खाने के लिए निर्णय लेने के 3 तरीके हैं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप हर आदमी को जब दवाई के बारे में समझाएंगे तो ये 3 तरीके के बारे में जरूर समझाएंगे। पहला तरीका, मैंने समझाया, आपकी बुद्धि में समझा, दुनिया में रिसर्च हुई है, नेट पे देखो और दवाई खाओ, बात ठीक है। अगर पहला तरीका जिसको मंजूर नहीं है तो दूसरा तरीका यह है कि 18 घंटा रोज काम करना है, 18 घंटा रोज काम करना है 7 दिन तक, उसके लिए मिलेगा 3 करोड़। 18 घंटा काम करना है 7 दिन तक करना है, मिलेगा 3 करोड़। सब लोग करेंगे ना? करेंगे। क्या काम करना है? चलिए 25 लोगों का एड्रेस ले जाओ, 25 लोगों का एड्रेस ले जाओ, उसको मिलो, उसकी फाइल देखो, बिफोर आफ्टर रिपोर्ट देखो, उसके डॉक्टर को मिलो, उसके पड़ोसी को मिलो, उसके बाद दवाई खाओ, क्योंकि मान लो ये 3 करोड़ का नहीं है, कैसी कीमत आपसे 3 करोड़ लगाना चाहोगे? तो 3 करोड़ तो किडनी में जो आ जाएगा, लिवर में जो आ जाएगा। ये मामला 3 करोड़ का नहीं है, ये मामला अनमोल है। दूसरा तरीका अच्छा है ना, दूसरा तरीका, लेकिन एक तीसरा भी तरीका है। तीसरा तरीका ये है, आज जिन्होंने ये दवा खाना शुरू किया है, ऐसे 5-25 लोगों को मिल लो, अपने पैसे से उसकी फाइल की जरूरत कर लो, और 3 से 4 महीने बाद फिर से उन लोगों को मिलो, उसके बाद आपको पता चलेगा ये दवा खानी पड़ेगी। और चौथे तरीके में जाओगे तो बहुत नुकसान होगा, December 2012 में अभी भी नुकसान होगा। तो इस तरह ये इम्यूनिटी के निर्णय लेने के तरीके, दवा कैसे खानी चाहिए, तो डोज के बारे में बात करें तो 5.5 महीने के अंदर के बच्चे को आधी गोली, 5.5 से 4 साल के लिए एक गोली, 4 से 12 साल के लिए एक एक गोली 2 बार, 12 साल के ऊपर एक एक गोली 3 बार। ये हेल्दी आदमी को हेल्दी रहने का डोज है, बीमार आदमी को इससे डबल, बड़ी बीमारी में 3 या 4 गुना लेना है। दवाई कैसे खाई जाती है? खाना खाने के घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिसको खाली पेट कहा जाता है, इस तरह इसको खाना होता है। देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है, कितने 1 बजे छोड़ना है? यस, 1 से 1.5 के बीच, ठीक है। अभी देखिए हमने बात की सिर्फ एक प्रोडक्ट पे, धन्वंतरी के, धन्वंतरी के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात, इम्यूनिक मेन प्रोडक्ट है, इम्यूनिक मेन प्रोडक्ट है, इसीलिए सभी मरीज को इम्यूनिक देना है, लेकिन कुछ मरीज को एक सपोर्टिंग दवाई भी दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिसके बॉडी में बहुत टॉक्सिन है तो उसको इम्यूनिक के साथ डिटॉक्स नाम की दवाई दी जा सकती है, यहाँ भी बताएगा आपको डिटॉक्स। टेक्निकली तो बताना नहीं चाहिए क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि नया आदमी कोई नहीं है, फिर भी बताते हैं। अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा, देखिए ये डिटॉक्स है, ये दवा किसको खानी चाहिए समझ लीजिए। डिटॉक्स का मतलब फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना, टॉक्सिन को बॉडी में से निकालना, टॉक्सिन को जो आदमी को सुस्ती बहुत आती हो दिन भर अच्छी नींद लेने के बावजूद, जिसको काम में मन नहीं लगता हो, जिसको बॉडी में स्वेलिंग हो, जिसको खाना नहीं पचता हो, जिसकी स्किन पहले अच्छी थी बाद में खराब हो गई हो, जिसके बाल गिरते हो,
ऐसे लोगों के शरीर में टॉक्सिन है जिसके पसीने से बदबू आती हो, इसका मतलब टॉक्सिन है। जिसको डाउट है बॉडी में टॉक्सिन है, ये क्या करता है? डिटॉक्स है, डिटॉक्सिफाई करता है। अब आप बोलोगे ये डिटॉक्स क्यों करेगा, है ना, ये डिटॉक्स क्यों करेगा? तो इसके अंदर कई जड़ी बूटी है जो डिटॉक्सिफिकेशन करती है, लेकिन उस पर हम बात नहीं करके इसके अंदर एक खास जड़ी बूटी है उसके ऊपर ही बात करेंगे। उस जड़ी बूटी का नाम है अगर नाम की एक स्पेशल जड़ी बूटी है। आज तक पूरे वर्ल्ड में कहना चाहिए कि अगर का उपयोग किसी फार्मेसी में नहीं किया है। आपको ना झंडू के पास मिलेगा, न साटू के पास मिलेगा, न डावर के पास मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा धन्वंतरी के पास। ये अगर है क्या? प्राचीन समय में राजा महाराजाओं को उनके राजवैद्य अगर नाम की जड़ी बूटी रेगुलर देते थे, क्योंकि उस पर यह डर रहता था कि राजा महाराजा को कोई चप्पल में टॉक्सिन लगा दिया तो बॉडी में जाता था, क्योंकि हमारे स्किन के थ्रू भी टॉक्सिन अब्सॉर्ब होते। खाने में भाई जहर देते थे। ऐसा सब होने के कारण राजवैद्य लोग टाइम टू टाइम अपने राजा को अगर नाम की जड़ी बूटी सेवन करने को देते थे। अगर का काम है बॉडी में से टॉक्सिन को बाहर फेंक देना। अगर कोई आदमी ये समझता है कि उसके बॉडी में टॉक्सिन नहीं है तो ये गलत बात है, क्योंकि जब हम घर में कलर करते हैं तो इसके जरिए भी बॉडी के अंदर लेड वगैरह जाता है, कई प्रकार के केमिकल जाते हैं, धुएं में से कई प्रकार के टॉक्सिन जाते हैं, खाने में से जाते हैं, हम सब टॉक्सिनों के बीच जी रहे हैं। तो इसलिए ये डिटॉक्स लेना बहुत जरूरी है, बॉडी के टॉक्सिन को निकालता है। इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है। जिसको ज्यादा टॉक्सिन है, ध्यान दीजिए, जिसको ज्यादा टॉक्सिन है दोपहर को खाने के आधे घंटे बाद दो गोली, रात को खाने के आधे घंटे बाद दो गोली। जिसको कम प्रॉब्लम है वो रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद दो गोली खाए। अब इस कंपनी की दवाई है न्यूरो रिच। ये उस मरीज को देनी चाहिए। इम्यूनिटी सबको देना है, सपोर्टिंग मेडिसिन। अगर जिसको पैरालाइज है, पार्किंसन है, या नर्वस सिस्टम की जो भी बीमारी है, ऐसी बीमारी में इम्यूनिटी के साथ न्यूरोरिच देना चाहिए। न्यूरोरिच खाना खाने के बाद दी जाती है। अगर मरीज 18 साल के ऊपर का है और नर्वस सिस्टम की बीमारी है तो एक गोली तीन बार खाना खाने के बाद देनी है। 12 साल के नीचे वाले को ये दवाई नहीं देनी है, 12 साल के ऊपर वाले को एक गोली दे सकते हैं। 12 साल के नीचे वाले को नहीं देना है, 12 साल के ऊपर वाले को सिर्फ एक गोली, और 18 साल के ऊपर वाले को दो या तीन गोली दी जा सकती है प्रॉब्लम के मुताबिक। जैसे कि पैरालाइज में ये देना चाहिए, पार्किंसन में देना चाहिए, नर्व पेन होता है तो देना चाहिए, इस तरह से देना चाहिए। जो भी नर्वस सिस्टम की बीमारी है सभी में दिया जाता है। अब एक दवा है स्मृति रिच पाउडर है, एक पत्रे का डब्बा होता है, टीन है, उसके अंदर ग्रेन्यूल है, दाने हैं, उसका चॉकलेट फ्लेवर टेस्ट है उसका, उसमें 7 आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट है, और उस 500 ग्राम के डब्बे में 66 इम्यूरिच का भी रॉ मटेरियल है। 66 गोली खाने से जो फायदा होता है वो 66 गोली उसके डब्बे में मौजूद है, अलग से धोना नहीं, मिक्स किया हुआ है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ये बच्चों को लेना चाहिए याददाश्त के लिए। इसको ठंडे दूध में लेना है, छोटे बच्चे को 5-5 ग्राम दो बार, बड़े आदमी भी इसको ले सकते हैं याददाश्त के लिए, क्योंकि एक उम्र के बाद ब्रेन के न्यूरॉन्स काफी मात्रा में वीक होते, खास करके डायबिटीज वाले को मेमोरी कम होनी शुरू होती है। लेकिन डायबिटीज वाला इसको नहीं ले सकता है क्योंकि इसमें शुगर होती है, ये ध्यान रखना। हाई बीपी वाले की मेमोरी कम होती है, या जिन लोगों की मेमोरी कम है जिनको याद नहीं रहता हो, जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसको क्या बोला वो याद रखना पड़ेगा ना, उसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कितनी अच्छी दवाई आई आप लोगों के लिए सोचिए। तो इसे याददाश्त अच्छी होती है, डायबिटीज का मरीज को नहीं ले सकता।
बड़े आदमी को 10-10 ग्राम दो बार लेना है। तो इस समय जो भी प्रोडक्ट कंपनी के हैं वो सारे यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। इसी तरह एक ज़ाइमोरेज करके दवा है, ये एसिडिटी के लिए लेनी होती है। इसमें भी इम्यूनिट भी है, मतलब वर्क फैक्टर वगैरह भी है और दूसरी जड़ी बूटी है। इस दवाई को खाना खाने के आधे घंटे पहले दो गोली खाइए, दोपहर को दो गोली खाइए रात को। जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है सुबह उठते ही दो गोली खाई जाए ज़ाइमोरेज, दोपहर को खाने के पहले रात को खाने के पहले, एक्सेलेंट मेडिसिन है, आपकी सिस्टम चेंज हो जाएगी। तो इस तरह कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है यूनिक है, अपने आप में जबरदस्त है। अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ और माइक इनके हाथ में देता हूँ। हाँ, ये दवाई के बारे में बताना रह गया है। इस दवाई का नाम है आर्थोरेई। ये जॉइंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के साथ इसको जॉइंट के लिए देना है। सुबह दोपहर और रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद एक एक गोली तीन बार, एक एक गोली तीन बार खानी है। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो, घुटने में तकलीफ हो, सभी बात हो, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हड्डियों की सभी बीमारी में इम्यूनिटी के साथ इस तरह ये प्रोडक्ट देना है। और खाली इम्यूनिटी के लिए तो भी काम करता है गणपति, इम्यूनिटी अपने आप में परफेक्ट मेडिसिन है। हाँ, ये जानकारी कभी मत भूलिएगा। कितनी देर बैठोगे, चलना कितनी देर चलोगे, देखना उछलना कूदना मरना सब में संतुलन चाहिए। इसी तरह खाना में भी संतुलन चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने डिस्पेंसरी के लिए एक नाम कहा है, वो नाम है दवा खाना, है कि नहीं? ना। तो ये ना का बहुत मीनिंग है, जिंदगी में ऐसी नौबत ना आए इसीलिए आपको केयर करनी चाहिए। जिस 90 मॉलिक्यूल की बात की है वो आपको हेल्दी तो रखते ही है, लेकिन साथ में हमारा अगर थोड़ा रोल उसमें है तो ये बात
बहुत अच्छी तरह हो सकती है। इम्पोर्टेंट है खाना। छोटी सी फॉर्मूला खाने के लिए बताऊंगा मैं आपको। जितना भी आप खाना खाते हैं पूरे दिन में 40% खाना नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल की डेफिनेशन क्या है? जिसपे इंसान ने कोई टेक्निकल काम न किया हो। जब हम उसके ऊपर कुछ कार्य करते हैं तो वो नेचुरल नहीं रहता है, यानी कि आपने कच्चा खाना खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट खाने चाहिए। खजूर बहुत अच्छी चीज होती है, दो चार पीस वो खाए जा सकते हैं। बनाना नेचुरल अच्छा फ्रूट है, सस्ता और बेस्ट। तो ऐसे जिंदगी में ध्यान रखो, 40% खाना कच्चा खाना शुरू करो, हेल्थ बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। खाने के लिए शॉर्टकट में कहा, पानी दिन से 5 लीटर पीना शुरू करो। अच्छी नींद लेनी जरूरी है। तनाव मुक्त जीवन जीना है, तनाव के बारे में बता चुका हूं। और सोच को बदलना है, जिस पे हम आगे बात करने वाले हैं। इतने छोटे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे लाइफ चेंज होगी। अभी हम बात करेंगे इसके दूसरे हिस्से की, बिजनेस। यहां बैठा हुआ हर आदमी इतना अच्छा प्रोडक्ट को लेकर एक बिजनेस कर सकता है। क्वेश्चन ये है, बिजनेस क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं? क्या आपको पता है जो बिजनेस चल रहा है उसकी शुरुआत किस स्वरूप में हुई थी जमाना पहले? जो बिजनेस आज चल रहा है, एक आदमी दुकान खोल के बैठा है, एक आदमी दवाई की दुकान खोल के बैठा है, मिठाई की दुकान खोल के बैठा है, या तरह तरह की मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर ये सब खोल के बैठा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी आपको पता है? पुराने समय में था बार्टर एक्सचेंज। जैसे कि कुम्हार अगर मटका बना रहा है, वो किसान को मटका देगा और किसान उसको गेहूं या चावल या जो चाहिए देगा, बार्टर एक्सचेंज। फिर क्या हुआ, लाइफ में थोड़ा मॉडिफिकेशन आया, नए नए मशीनरी की खोज होने लगी, डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन वाले का प्रोडक्शन बढ़ा। तो गांव में सफिशिएंट नहीं था, पहले गांव के ही लोग गांव में बेचते थे, हर गांव अपने आप में डिपेंडेंट था। इसकी वजह से जब अकाल होता था या क्या बोलते दुकाल, अकाल दुकाल, उस वक्त क्या होता था कि दूसरे गांव से ट्रांसपोर्टेशन से कोई चीज आती नहीं थी, तो गांव के लोग काफी भूख के मारे वगैरह मरते थे। लेकिन साइंस ने तरक्की की, तो एक आदमी जो चीज बना रहा है वो दूसरी जगह लेके जाता है, दूसरे गांव बेचने को। तो क्या आया चलन में? सोने की मुद्रा। तो बार्टर एक्सचेंज हटकर सोने की कोई भी चीज के बदले में सोने से बिकने लगा, जैसे मुद्रा बन गई। तो बाजू के गांव में जब बेचना शुरू किया जाकर, तो माल बच गया तो वापस कौन लेके आएंगे? धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। कोई जमाना था गुजरात में, मैं किसी को नहीं जानता था मंजीत जी के अलावा, तो मंजीत जी ने मुझे 250 से मिला दिया, और 250 के बाद राजू भाई के साथ मिला, और 4-5 लोग हैं उनको मैं मिला जब पहली बार आया तभी, और आज आप सब लोग सामने हैं, थोड़े से लोग सामने हैं, ऐसे बहुत लोग अभी धन्वंतरी में, कुछ 15,000 के करीब लोग ऑलरेडी धन्वंतरी के सिस्टम में इंक्लूड हो चुके हैं। तो उस दोस्त के यहाँ बचा हुआ माल रख दिया, पहचान हो गई। उसने कहा नहीं, अभी होता यह है कि आपके पीछे भी लोग मांगते हैं हमारे पास, तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक दिया करो, अब कोई यूं ही कितने दिन काम करेगा। फिर धीरे धीरे 2-3 हो गए, अचानक शादी के बाद 2-3 हो जाते हैं, अचानक एक दिन नई सिस्टम आई, 2-3 हो गए बिजनेस में, बिजनेस में 2-3 लोग हो गए, ये तीसरा कब घुस गया पता ही नहीं चला। फिर हुआ ये कि ये तीन में से ऐसा करते करते आज 10 लोग हो चुके हैं। जैसे कि एक आदमी ने एक यूनिक चीज बनाई, जिसके पॉकेट में पैसा एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाता है सीना ताक के, पूरा इंडिया का माल मुझे दे दो मैं बेचूंगा, पूरा सोल सेलिंग एजेंसी इंडिया का। फिर एक आदमी आ जाता है मुझे गुजरात दे दो, एक आदमी खड़ा हो जाता है जो भी दे दो, फिर गुजरात में और आदमी खड़े हो जाते हैं, बड़ौदा दे दो, आनंद दे दो, ये दे दो, सब दे दो। ऐसा करते करते कुछ लोग एक बाउंड्री बना लेते कमाने की, उसमें फिर और कोई घुस नहीं सकता। वही एक प्रोडक्ट को लेके 5-7 हजार लोग ही कमा सकते, बाकी लोग नहीं। ये है बिजनेस। क्योंकि सीएनएफ एजेंट, स्टेट सीएनएफ एजेंट,
कंट्री थी, ऐसे गांव के सिटी ऐसे करते करते ये मामला सेट हो गया। ये है बिजनेस। अब हुआ ये कि एक आदमी ने देखा इसमें कुछ प्रॉब्लम नड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? सिंपल है, अगर आप महीने में 10,000 रुपया कमाते हैं, महीने में 10,000 कमाते हैं, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट 20,000 है, तो आपको 20,000 कमाने के लिए 16 घंटा काम करना पड़ेगा। लेकिन आपके रिक्वायरमेंट 30,000 हो गई तो 24 घंटा काम करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए क्या, हम समय बढ़ा नहीं सकते हैं और मैन पावर हमारे पास नहीं है। तो ये डिफिकल्टी किसको लगी थी? रे क्रॉक, जिसने मैकडोनाल्ड की शुरुआत की। उसने एक होटल खोली, खूब चली। आपको मालूम है कितनी एज में खोला था? 50 साल के बाद, शायद 62 की एज में खोला था, खूब चली। उसने वही मॉडल की एक दूसरी होटल खोली, उसमें उसकी हालत खराब हो गई। तो उसको एक नया आइडिया आया कि अभी मैं कुछ स्मार्ट काम करूं। तो उसने क्या किया, अपने सारे दोस्तों को ऐसे बुला लिया एक दिन, पार्टी कर ली जैसे आज आप बैठे हो, और दोस्तों को बताया कि आप सब लोग मेरी होटल में खा चुके हो, आपको पता है कि मेरे जैसा और कोई नहीं बनाता बर्गर और फ्रेंच फ्राई। दोस्तों ने बोला ये बात तो पक्की है। तो इसने कहा मैं आपको ये टेक्नोलॉजी दूंगा, मेरा नाम दूंगा, मैं आपको हुनर सिखाऊंगा, उसके बदले में 3% आपने मुझे देना है मुनाफे में से। दोस्तों को क्या लगा, ये आदमी पागल हो गया है, कोई अपना बिजनेस का सीक्रेट सिखाता है क्या किसी को? नहीं सिखाता है, किसी ने उसकी बात मानी नहीं। लेकिन उसकी मौसी की लड़की थी नैंसी, उसको ये बात समझ में आ गई और नैंसी ने होटल खोली। और लोगों ने देखा कि नैंसी की होटल खूब चल रही है। अगर नैंसी 2,00,000 रुपया महीने कमा रही है तो उसे 6,000 रुपया वहां दे रही है, किसको? रेकरो। तो नैंसी को भी झिझक नहीं होती, छोटी सी अमाउंट देनी है, ठीक है दे दो। उसको देखकर लोगों को बोला नहीं नहीं ये आदमी ठीक है, इसके नक्शे कदमों पे चलने से हम भी पैसा कमा सकते हैं। और इस तरह वो परंपरा शुरू हुई मैकडोनाल्ड की। आज लाखों फ्रेंचाइजी मैकडोनाल्ड की खुल चुकी है, जहां जाओगे मैकडोनाल्ड 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 एक बड़ा एकदम पिलर रहता है, ऊपर एम लिखा रहता है, दूर से आपको पता है अभी वो एम दिखाना, वहां गाड़ी को टर्न कर लेना है, बर्गर खाने जाएंगे, कॉफी पीने जाएंगे, फ्रेंच फ्राई खाएंगे, है कि नहीं? और रियली टेस्टी होता है, मैं भी खाता हूं। समझो कि आपने आनंद के अंदर मैकडोनाल्ड खोल दिया, आपका चलेगा। लेकिन क्या आप 10 दिन दुकान बंद रखोगे तो आपको इनकम आएगी क्या? अगर 10 दिन आप बंद रखेंगे तो आपको इनकम आएगी नहीं। किसको फर्क पड़ेगा? आपको, रैक रॉक को नहीं। क्योंकि 2,00,000 लोग फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, 4 आदमी अगर नहीं भी काम करते हैं थोड़े दिन, या 4 आदमी के कम भी इनकम आती है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो 4 आदमी को फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं लेकिन फ्रेंचाइजी दे नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते। इसका मतलब आप मेहनत करोगे तो कमाओगे, नहीं मेहनत करोगे तो नहीं कमाओगे। अब हम बात करेंगे बिजनेस की। लोग 3 प्रकार का काम चुनते हैं, जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन। ये 3 काम क्यों चुनते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है इजी है, सब लोग यही कर रहे हैं तो हमको भी यही करने का, सब लोग यही कर रहे हैं हमको भी यही करने का। तो जॉब का मतलब कि आप कहीं काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिलती है मंथ एंड में, बिजनेस कर रहे हो मंथ एंड में आप प्रॉफिट निकालते हो। प्रोफेशन यानी कि डॉक्टर, वकील, सीए, ये सब प्रोफेशनल होते हैं। मेरे पास एक लेडी आई पेशेंट थी, मैंने पूछा आपके मिस्टर क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा वो एडवोकेट है, प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने कहा काम कब करेंगे?
क्रिश्चियन एक काम कब करेंगे? प्रैक्टिस करते ही। तो ये तीन लाइन चुनते हैं क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन दिखती है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या जॉब करने वाला अपना जॉब से सेटिस्फाई है? जॉब के लिए एक ही रूल है, हर जॉब करने वाला यही कहता है मेरा सीनियर अच्छा नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है। बॉस कभी अच्छा होता है क्या? कभी भी नहीं। इसलिए बहुत मुश्किल से कोई इंसान अपने बॉस से सेटिस्फाई होता है। लेकिन बॉस की परिस्थिति इस कंपटीशन के लाइफ में एकदम अलग है। उसको सेम कंपटीशन में दूसरे के साथ सर्वाइव करना है। वो जब आपको पे कर रहा है तो काम तो लेना चाहेगा, और आप काम करना नहीं चाहेंगे तो आपको लगता है आपसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, उसको लगता है आप कम काम कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह कि जॉब में एक आपकी लिमिट है, आप चाहते हो कि आप ज्यादा कमाओ, लेकिन उसके लिए आप ज्यादा थोड़ा ओवर टाइम करोगे। लेकिन एक लिमिट से आगे आप जा सकते नहीं है। अगर एक आदमी सोचे कि मुझे बहुत नॉलेज है, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे पास हुनर है, लेकिन हुनर उपयोग में आएगा नहीं आएगा क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। एक आदमी में बेस्ट मैनेजिंग कैपेसिटी होती है, वो मैकडॉनल्ड के फ्रेंचाइजी लेके मस्त चला सकता है, लेकिन वो फ्रेंचाइजी लेने को पैसा तो चाहिए ना। तो जिंदगी में अगर हुनर भी है तो पैसा चाहिए, या हुनर है तो कोई आपके हुनर को उपयोग करेगा जॉब पे, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो जॉब, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये तीन पैटर्न में हम चल रहे हैं। इससे हटकर एक पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है कि जैसे आप मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, या धर्मांतरी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, दे भी सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने में क्या मिलेगा, फ्रेंचाइजी लेने में क्या मिलेगा और फ्रेंचाइजी देने में क्या मिलेगा, ये जिस दिन समझ में आ गया उस दिन आपको पता चलेगा आपके बैंक में क्या होगा बैलेंस। तो हमको यहां अच्छी तरह ये समझना है कि फ्रेंचाइजी लेने का मतलब क्या है, देने का मतलब क्या है। तो इसको समझने के पहले ये समझेंगे कि आप रोज 8 घंटा काम करते हो, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। 16 घंटा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, आपकी लिमिट है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो कोई स्मार्ट काम करना पड़ेगा। तो स्मार्ट काम चुनना पड़ेगा, कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो काम है ये धन्वंतरी की डिस्ट्रीब्यूशन से आप धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अगर रोज आप 2 घंटा काम करते हैं धन्वंतरी कंपनी के लिए डेडिकेशन के साथ, तो 3 महीना 6 महीना 8 महीने में क्या होगा वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे हमने देखा कि दवाई के अंदर 90 ग्रोथ फैक्टर है, 90 मॉलिक्यूल है, लेकिन धन्वंतरी के बिजनेस सिस्टम के अंदर 5 मॉलिक्यूल है जिसकी खोज मैंने की है। पहला मॉलिक्यूल है इंटरेस्ट ग्रोथ फैक्टर। आप ये इम्यूनिटी खाना शुरू करोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपके शरीर में चेंज आ रहा है, आपके शरीर में चेंज आ रहा है, इंटरेस्ट ग्रोथ फैक्टर। और 3 महीने निकलेंगे यानी 6 महीना हो जाएगा MGF मनी ग्रोथ फैक्टर, पैसे आना शुरू हो जाएगा, चेक आना शुरू हो जाएगा, तो आपको काम में थोड़ा सा मन और लगेगा। साल भर में क्या होगा PGF पब्लिक ग्रोथ फैक्टर, पब्लिक ही पब्लिक हो जाएगी। आज मंजीत जी के नीचे पब्लिक ही पब्लिक है, राजू भाई के नीचे, धनसु भाई के नीचे और भी लोग बैठे हुए, पब्लिक ग्रोथ फैक्टर। 2 साल हो जाएगा AGF आनंद ग्रोथ फैक्टर, काफी पैसा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और 3 साल तक लगे रहे तो FFGF फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रोथ फैक्टर। इस बिजनेस से इस तरह मुकाम आपका तय होगा, और इस मुकाम को हासिल करने के लिए 3 साल का वक्त लगेगा। जो मैंने 5 स्टेज इसके कहे हैं, ये 5 स्टेज को हासिल करने के लिए 3 साल का वक्त लगेगा। अगर आज आप रोज 2 घंटा काम करते हो और आपने काम शुरू किया, 1 महीने में आपके पास 10 लोग और आपके साथ जुड़ गए, वो भी 2 घंटा काम करते हैं,
तो अभी डेली आप 2 घंटा करते हो, 10 लोग भी 2 घंटा करते हैं, यानी कि डेली अब आपके नीचे 22 घंटे का काम हो रहा है, और आपका ओरिजिनल काम आप 8 घंटा कर ही रहे हो जॉब। तो इसका मतलब ये कि अब आपकी इनकम ओरिजिनल काम की इनकम और ये इनकम ऑलमोस्ट मैच हो जाएगी। अगर जिसकी सैलरी 15-20 हजार या 25 हजार है तो वो 3 महीने में इस मुकाम को हासिल कर सकता है। अब होगा ये कि उसके जरिए भी 10-10 लोग और आएंगे इस सिस्टम में, तो इस तरह टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। टाइम मल्टीप्लिकेशन का मतलब मैं समझाना चाहूंगा, इस दुनिया में जो भी लोग बड़े आदमी बने हैं, जिन्होंने नाम कमाया है, वो इसीलिए बड़े आदमी बने हैं कि वो नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा काम करते हैं। क्या है नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा? एक आदमी ने एक बिजनेस खोला, अगर उसके पास पैसा है तो यूनिक बिजनेस खोला, 10 आदमी को उसने काम पे रखा, 10 आदमी काम कर रहे हैं, महीने के एंड में उनके जो बॉस है वो उनको सैलरी देते हैं, हम उसको टेक्निकल भाषा में कमीशन कहेंगे। सैलरी एक्चुअली कमीशन है। काम और डेवलप हुआ, 10 आदमी और रखे, ऐसे 10 थे अब 10 और ऐसे हो गए, अभी 20 आदमी हो गए, बिजनेस बढ़ा, अब 20 लोगों को सैलरी बांटनी पड़ रही है, यानी कि कमीशन बांटना पड़ रहा। बिजनेस और बढ़ा, 30 आदमी हो गए, 30 आदमी 8-8 घंटा काम कर रहे हैं, 240 घंटे काम हो रहे हैं, अब इनकम और बढ़ी। ऐसे 1,000 आदमी आ गए, 80,000 घंटे काम हो रहा है, अब उतने लोगों को 1,000 लोगों को कमीशन बांटना है। ऐसे करते करते 1,00,000 लोग जब काम करेंगे आपके नीचे, तो आप 1,00,000 लोगों को पैसे बांटेंगे कमीशन। लेकिन क्वेश्चन यह है, आपका तो पॉकेट बड़ा होते जा रहा है, उसका क्या? ऐसे लाइन जा रही है, जब आपके काम में लाइन ऐसे जाने लगती है उसको बिजनेस कहते हैं, और जब लाइन ऐसे जाने लगेगी तो उसको कहते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्यों इसको लेवल कहा जाता है? बिजनेस सिंगल लेवल है इसलिए एक ही आदमी कमाता है, ये मल्टी लेवल है इसलिए अनेक लोग इसमें कमाते हैं। मल्टी लेवल मतलब अनेक लोग इसमें कमाते हैं, इसलिए इसको मल्टी लेवल कहते हैं, MLM यानी मेरे लिए मैं। ऐसा ये एक यूनिक बिजनेस है। अब इस बिजनेस को करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके पहले हम इसका एक छोटा सा प्लान देखेंगे कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे क्या प्राइस में मिलेगा, किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से ली जाती है और किस तरह दी जाती है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए इस कंपनी की 2600 की MRP की 2 प्रोडक्ट खरीदनी है। समझो कि 2 इंजीनियरिंग बॉटल आपने खरीदी, 1 बॉटल की कीमत है 1300 रुपया, 90 गोली होती है, हर गोली में 90 मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहां क्वेश्चन खड़ा होता है, प्रोडक्ट महंगा है, 1300 रुपये में 90 गोली डेफिनेटली सस्ता नहीं है, महंगा है, क्योंकि आनंद में बाजार में एक आदमी 30 रुपये किलो पोटेटो बेच रहा है और बड़ौदा में एक आदमी 100 रुपये किलो बेच रहा है, तो बड़ौदा में पोटेटो महंगा है, महंगा माना जाएगा ना। अगर काजू 400 रुपये किलो बिक रहा है और एक आदमी 1000 रुपये किलो बेच रहा है तो महंगा है, यस और नो? यस। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं, क्या कोई सस्ता भी बेचता है? जब ये 90 मॉलिक्यूल को 2027 इस 90 मॉलिक्यूल को 2027 तक जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो ये बात रिलायंस को भी पता चली, उन्होंने ये मॉलिक्यूल पाने की कोशिश की, 2 मॉलिक्यूल मिले, IgG और IgA, IgA और IgM मिला, 2 मॉलिक्यूल, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनको कैसे परवड़ता इतना सस्ता बेचना।
कितना सस्ता मालूम है, दो मॉलिक्यूल देते 14,250 रुपए सिर्फ। अभी आप मुझे बताइए ये 1300 महंगा है कि वो रिलायंस का सस्ता है, बताइए ये महंगा है कि वो सस्ता है? वो महंगा है, ये सस्ता है, बराबर। नाम क्या है उसका? इम्यूनो रिलायंस, नेट पे देख सकते हैं। क्या और भी कोई बेचता है? ठीक है, एक कंपनी, अमेरिका की एक कंपनी सिर्फ एक मॉलिक्यूल बेचती है, वन मॉलिक्यूल। प्राइस है उसकी 60 बोली के लिए 3400 रुपया। चौथी कोई कंपनी नहीं है, इसका मतलब धनवंतरी ओनली कंपनी है जो 90 मॉलिक्यूल पूरा देती है और सस्ते में देती है। अगर ये कंपनी ने चाहा होता तो इसको फार्मा बेस से मार्केट में लॉन्च करके एक बॉटल 5000 में बेची जा सकती थी, लेकिन होता क्या, ये मरीज तक सीमित रहती थी। मरीज तक, मरीज का क्या मतलब समझते हो? चलिए समझते, मरीज यानी पेशेंट। 100 में से एक आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, रेशियो क्या है, 100 में से एक आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और 100 में से 9 आदमी डॉक्टरों के पास जाते हैं इलाज के लिए रेगुलर, और बाकी बचे कितने, 80 लोग। 80 में से कम 67 लोग मरीज हैं जो अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं नुस्खेबाजी से, सेल्फ केयर बोलो या सेल्फ मेडिकेशन बोलना चाहिए उसको। खाना नहीं पचा, एसिडिटी हो गई, टीवी पैड देखा है, डाइजेंसी हो लिया, पिया, सिर दर्द है, क्रोसिन लिया, खाया, कमर दर्द है, कॉम्बिप्लेन खाया, ऐसा करने वाले बहुत लोग पड़े। गेंडू बम मतलब, आजकल गेंडू बम बड़ा चल रहा है। तो ये सब सेल, यहां प्रश्न क्या है कि देखा जाए तो मुश्किल से 13% लोग हेल्दी है, बाकी सब मरीज है। तो ये प्रोडक्ट 100% लोगों के लिए है। हेल्दी आदमी खाएगा हेल्दी रहेगा, बीमार आदमी खाएगा अच्छा होगा, इसलिए इसको पब्लिक लेवल तक लाने की दुनिया की ये बेस्ट मेथड है। अगर ये फार्मा से आता तो कौन कमाता था, जो सीना तान के पूरे इंडिया के लिए खड़ा रहता था, वो सीना तान के वो खड़ा रहता था जो गुजरात के लिए, और डॉक्टर या एजेंट इन्हीं लोगों में पैसा बढ़ता। और इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कि लोग लेते ही थे। लोग कहते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, दो दिन हॉस्पिटल होना ही पड़ता है तो कहां से आता है, पता नहीं आ जाता है तभी, है कि नहीं। तो वैसी कंडीशन में इसी प्रोडक्ट के लिए कहीं से भी उनके पास पैसा आता था उस हालात में। इसलिए कंपनी ने क्या सोचा कि लोगों की हेल्थ सुधरे और लोगों की वेल्थ बढ़े, लोगों की हेल्थ सुधरे और लोगों की हेल्थ बढ़े। इसलिए देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास, मिस्टर शांतिलाल 17, उनके समय में 17, मैंने कहा कभी तो 18 बनो, वो रियली 18 हो गए। डायबिटीज 550 के नीचे जाती नहीं थी, रोड क्रॉस करने एक आदमी लगता था उनको। इस इम्यूनिटी से आज उनकी हालत यह है कि वो रोज घूम रहे हैं। कल वो मुलुंड गए थे ट्रेन में, 5 इम्यूनिटी बॉटल किसी को पहुंचा नहीं, उन्होंने कच्ची पत्रिका में एड देना शुरू किया। कब? पहले उनके पास पैसे आने शुरू हुए। सबसे पहले हुआ ये कि उनके अड़ोस पड़ोस को सरप्राइज हुआ कि जो आदमी घर में बैठा रहता था, कहीं जाना है तो एक आदमी, इसको लगता था कि आदमी अकेला क्यों घूम रहा है, प्रश्न, लोगों को बहुत प्रॉब्लम है प्रश्न उठाने का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को। बाजू वाले की गाड़ी आई, उसके बाजू वाले को बोलते इसको गाड़ी कैसे आई, तो बाजू वाले को पूछा कि बाजू वाला कैसे अच्छा हो गया, तो बाजू वाले ने बाजू वाले को बताया कि इसने इम्यूनिटी खाया और ये अच्छा हुआ। तो बाजू वाले ने और उसके बाजू वाले ने दोनों ने खाना शुरू किया। दोस्त लोग जानते थे कि ये शांतिलाल भाई कहीं जाते ही नहीं थे, ये मेरे घर पे मिलने आने लगे जबकि मैं इसको घर पे मिलने जाता था। उन्होंने खाना शुरू किया,
रिलेटिव लोग ने देखा कि अच्छा हो रहा है, खाना शुरू किया, तो वो खाली दवा खा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे और उनकी इनकम 10,000 मंथ शुरू हो गई। तो उनको लगा कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और पैसा आ रहा है और मैं कुछ करूंगा तो कितना आएगा, तो आज 40-45,000 रुपया मंथली आ रहा है। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वो बहुत बड़ा मरीज था, लोगों को दिखता था उसको क्या प्रॉब्लम है। और सेम किस्सा मंजीत जी का भी है, सभी को पता है मंजीत जी के बिल्डिंग में, अड़ोस पड़ोस में और पहचान वाले को कि इनको सोरियासिस था। इनके पुराने फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, राजू भाई को पता है, शुरू से जानते हैं, धनसुख भाई को पता है और काफी लोगों को यहाँ पता है। आज उनका अच्छा देखकर उनके साथ कई लोग तो यूं ही आ गए, भाई ये दवाई खाएंगे हम भी, बढ़िया अच्छी है, आप इतने स्मार्ट लग रहे हो। तो ऐसा ये यूनिक प्रोडक्ट है, जबरदस्ती बेचने वाली चीज नहीं है। आप एक जेन्युइन चीज किसको दे रहे हैं तो बिना झिझक से ये काम करना चाहिए। तो हमने क्या बात की, ये महंगा नहीं है, सस्ता है, सबकी जरूरत का है, आपकी जरूरत पूरी करिए, लोगों की पूरी कराइए, इतना ही काम करना है। तो 2600 रुपये में 2 बोतल लेने पे कंपनी में आपका अकाउंट खुल जाता है। कंपनी आपको उसी तरह एक बैंक अकाउंट नंबर देती है, अकाउंट नंबर देती है जिस तरह बैंक देती है, आपको एक पासवर्ड मिलता है, आप रेगुलरली अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। जैसे आप आपका अकाउंट कंपनी में खुल जाता है तो कंपनी आपको कई तरह का बेनिफिट देना शुरू करती है। अगर मैं कहूं ये प्रोडक्ट आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। मैं आपको कहूं ये प्रोडक्ट फ्री मिलेगा तो और भी अच्छा, और ऊपर से आपको ये प्रोडक्ट खाने के लिए पैसा मिले तो उससे भी अच्छा। चलिए ये सब चीजें हम देखते हैं। अगर आप इसको खाना शुरू करते तो किस तरह ये डिस्काउंट में आपको पड़ेगा? अकाउंट खोलने के बाद जब आपने एक बॉटल खरीदी तो कंपनी ने आपको 300 रुपया डिस्काउंट दे दिया सीधा। कितना परसेंट हो गया? 22-23% डिस्काउंट आपको मिल गया, बढ़िया है। आप एक मेडिकल स्टोर वाले को पूछिए, कई प्रोडक्ट पे उनको 8% से लेके 20-22% से ज्यादा कभी नहीं मिलता, यानी कि 1300 रुपए की बॉटल अब हमको मिली 1000 रुपये में। ऊपर से कंपनी कहती है हम आपको 15 पॉइंट भी देंगे, आपके अकाउंट में 15 पॉइंट कंपनी जमा कर देगी। अकाउंट खोल के देखा जा सकता है माई रिपर्चेस सेक्शन में, तो आपको पता चलेगा कंपनी ने 15 पॉइंट दिया है। आजकल पॉइंटों का जमाना है, उधर भी पॉइंट देते हैं लोग, सारे कामों में इधर उधर सब जगह पॉइंट, शॉपर स्टॉप में जाओ कार्ड है क्या, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। सारी कंपनी 54-58 की कंपनी है, कोई 4 आना कोई 8 आना, कोई 1 रुपया देती है एक पॉइंट के लिए, लेकिन धन्वंतरी 1 पॉइंट के लिए 10 रुपया देती है। अगर कंपनी ने आपको 15 पॉइंट दिया है, इसका मतलब कि एक बोतल जब आपने 1000 में खरीदी, 300 डिस्काउंट मिला, 15 पॉइंट के लिए कंपनी आपको 150 रुपया देगी, यानी कि अकाउंट खुलने के बाद पहले बोतल पे आपको 450 रुपये का मुनाफा हुआ। क्या एक यूजर के लिए अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। अगर आप इसके यूजर बनते, एक बड़ी फैमिली है तो खुद के खाने पे ये प्रोडक्ट खुद को सस्ता पड़ रहा है, ऐसे सिस्टम डेफिनेटली बढ़िया है। अगर ऐसे सिस्टम नहीं होती और आपको पता चलता है प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है तो भी आप खाते थे, दूसरी बोतल पे भी आपको यही बेनिफिट, तीसरी पे भी, चौथी पे भी, लेकिन जैसे ही आप पांचवी बोतल खरीदते हैं कंपनी कहती है आप अभी आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो गए हैं तो आप अभी थोड़ा सा बेनिफिट आपको ज्यादा देगी। कंपनी अभी आपको 18 पॉइंट दे रही है, बोतल 1000 में मिली, 300 डिस्काउंट दिया, लेकिन कंपनी ने 18 पॉइंट आपके अकाउंट में जमा किए, जिसके लिए कंपनी आपको 180 रुपया देगी। अब ये पांचवी बोतल आपको कितने में पड़ती है? 480 मुनाफा हो रहा है पांचवी बोतल की। ऐसा 6-7-8-9 बोतल तक चलता है। जैसे आपने 10वीं बोतल खरीदी, कंपनी कहती है तो एकदम अभी पुराना कस्टमर लग रहा है, इसको बेनिफिट और बढ़ाना चाहिए, तो 10वीं बोतल पे कंपनी आपको 10वीं बोतल से कंपनी आपको 21 पॉइंट देती है।
21 पॉइंट के लिए कंपनी आपको 210 चेक से देगी, मुनाफा कितना 510 रुपए का। ऐसा 19 बॉटल तक चलता है। जैसे 20वीं बॉटल खरीदेंगे कंपनी आपको पर बॉटल 24 पॉइंट देती है, 240 चेक से मिलेगा, बेनिफिट 540 का। जैसे आप 40वीं बॉटल खरीदते हैं कंपनी आपको 27 पॉइंट पर बॉटल देती है, बेनिफिट 570। ऐसा करते करते आप अपने अकाउंट से 150 बॉटल क्रॉस कर जाते हैं, बाद में कंपनी हमेशा आपको पर बॉटल 36 पॉइंट देगी। इसका मतलब आपको 650 रुपए का मुनाफा पर बॉटल हो रहा है। बढ़िया है, 50% क्रॉस कर गया। फिर कोई कहता नहीं, हमारी फैमिली 10 आदमी की है और हर आदमी को 2 बॉटल लग रही है, तो महीने में 5 बॉटल 6 बॉटल तो लगेगी। और कोई फाइनेंशियल साउंड फैमिली है तो वो अगर डायरेक्ट 20 बॉटल खरीदते हैं तो कंपनी उसको 20 में कौनता है 240 के हिसाब से बेनिफिट देगी। कोई डायरेक्ट अकाउंट खुला के 150 बॉटल खरीद लेता है तो कंपनी उसको डायरेक्ट पर बॉटल 150 बॉटल के लिए भी 360 देती है। एक साथ खरीदा तो अगर आपने अकाउंट खोल के 150 बॉटल खरीद ली तो कंपनी आपको 150 × 360 देगी। बढ़िया है कि नहीं? Yes. सीधा 50% डिस्काउंट। इसको कहते हैं बल्क परचेसिंग बेनिफिट डायरेक्ट। तो हमने बात की थी 50% डिस्काउंट की, जो हमने अभी समझ लिया है। क्लियर? Yes. लेकिन आपको मजा आया नहीं? क्यों? आपको चाहिए फ्री में। चलिए, ये दवा फ्री में भी मिल सकती है क्या? किसी को मिलती है फ्री में? चलिए देखना, मिलती है क्या? नहीं, फ्री में। अभी करना क्या है? वही काम जो बचपन से बचपन तक किया है। जो लोग बचपन से बचपन तक करते हैं वही काम आपको करना है। बचपन में आपने क्या किया है? बचपन से अभी तक जो काम किया है उसकी वजह से आपके अकाउंट में 10 लाख से लेके 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं है। आपने बचपन में बहुत काम किया, आपको पता नहीं है। काश पैसा मिलता तो आज बहुत पैसा होता था, इधर उधर भागना नहीं पड़ता था। क्या किया है बचपन से? मैंने तो बहुत किया है। देखिए, बचपन में आपने लोगों को कहा, अपने मित्रों को, कि ये चॉकलेट बहुत अच्छी है। आपने वो हिसाब से उसकी तारीफ की कि वो मजबूर हो गया आपका दोस्त उस चॉकलेट को खरीद के खाने के लिए। आपने किसी आइसक्रीम वाले की तारीफ की, लोगों ने आइसक्रीम खानी शुरू की। आपने कहा वहां पतंग माजा अच्छा मिलता है, आपके कहने पे लोगों ने लिया दोस्तों ने। आपने कहा वहां घूमने जाइए, वो होटल बहुत अच्छी, वहां जरूर खाना खाइएगा, आपके कहने पे वहीं पे खाना खाया। ऐसा जीवन में आपके कहने पे कई लोगों ने पिक्चर देखा, क्या क्या हुआ होगा आपके कहने पे दुनिया में। और बहुत बार ये कहने के चक्कर में बहुत चीज हमको ही महंगी पड़ती है। जैसे कि मुंबई के पास एक लोनावला नाम की जगह है, लोगों ने इतना पॉपुलर किया और वाकई में आप जाओगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ एक वड़ा पाव वाला फेमस है, वहाँ चीकी मिलती है और बारिश में एक वो डैम पे स्टेप बने, वहां से पानी बहता है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा टेक्निकल। और लोगों ने इतना पॉपुलर कर दिया वहां कि वहां रूम इतने महंगे है, भाड़े इतना महंगा है। लोनावला सुबह से जाते हैं ट्रैवलिंग करके, 1-2 घंटा बैठते आ जाते हैं ट्रैवलिंग करके, ऐसा लगता है आदमी थकने को गया। इस तरह पॉपुलर कर देते हैं। होता क्या है, धंधा किसी का हुआ आपकी वजह से, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। काश आपको मिलता तो आज आपके अकाउंट में कितने पैसे होते थे सोचिए। जिस दिन से ये ज्ञान मेरी समझ में आ गया, मैंने एक नया स्लोगन बनाया है कि अभी से हम बोलेंगे उसी के लिए जहां से कुछ मिलता है, नहीं तो बोलने का नहीं। आप बोलोगे शर्ट कौन से ब्रांड का, पता नहीं। ये पता नहीं कौन से ब्रांड है, उसको चलाइए। ये पता नहीं बहुत बड़ी ब्रांड है, इसको चलाने पे हमारा फोकस नहीं हटता।
शूज कौन से कंपनी का, पता नहीं। गाड़ी कौन से कंपनी की खड़ी है, पता नहीं, चल रही है। बोलने का नहीं, डिसाइड करो आज के बाद कि हम मुंह खोलेंगे उसी के लिए जहां से कुछ मिलता है, नहीं तो महंगा यहां पढ़ाओगे, नहीं तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई इसीलिए बढ़ी है, मुफ्त की मार्केटिंग में महंगाई बढ़ गई है। तो अब होता क्या, मैं आपको बताऊं, जब पार्टी में जाते हैं या दो दोस्त मिलते हैं, बातें क्या करते हैं, बातें क्या करते हैं, वही आप नए जूते लिए हो गए तो घुमा फिरा क्या जाएंगे जूते पे, वो कंपनी का जूता बहुत अच्छा है, तो दोस्त बोले मेरे को मालूम नहीं देखिएगा है कि नहीं, आप उसको घुमा फिरा के अपना जूता बताना चाहते हो, फिर आप उसकी तारीफ करोगे, ये कंपनी का है, ये बहुत चलता है, ड्यूरेबल होता है, इसका सोल नहीं गिरता, इसमें कंफर्ट बहुत लगता है, इसमें ऐसा ऊंचा हिस्सा है, मैंने बहुत कंपनी